सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम टू अनदर ड्रैगन बॉल लैंड वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले न्यू अल्ट्रा बैनर्स के बारे में जो कि इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। ये बैनर एक नहीं है, दो नहीं है, यहाँ पे तीन अल्ट्रा बैनर्स होंगे। एज यू कैन सी गोल्डन फ्रीजा एंड ये भी है ब्रो, ये भी है, ये आज ख़त्म हो जाएगा। ओके तो जिनेम्बा एंड यहाँ पे किड बू है। ओके सो तो हमारे पास चार अल्ट्रा बैनर है आज के दिन में। अगर ये चार अल्ट्रा बैनर तुम लोगों को फंसा लिए तो तुम भाई फंस जाओगे, याद रखना। तो ये लास्ट स्टेज है जहाँ पे तुमको अपने आप को कंट्रोल करना है, फोकस करना है कि तुमको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा तुम लोगों को कि तुमको सेविंग करनी है या तो तुमको गोल्डन फ्रीजा और मे बी गोहान, बिकॉज ये दोनों फ़िलहाल बहुत सही चल रहे हैं पीवी में। तुम पीवी खेलते हो ज़्यादा तो तुमको पता होगा, ठीक है। एंड कुछ लोग जो होते हैं ना, जो मतलब ओल्ड प्लेयर है जैसे कि मैं हूँ या फिर कोई भी ओल्ड हो जो कि 4 या 5 ईयर से खेल रहा हो इस गेम को, सो उनको ना एक हिंट होता है कि उनको कौन से बैनर में स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते, तो मैं उनके लिए एक सजेशन दूंगा कि भाई तुम इस समय अगर तुम कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा अच्छा होगा फॉर अ पार्ट 3, मैं ये कह सकता हूँ। बट स्टिल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि करेक्टर मिलना होता तो मिल जाता है। ओके तो मिलना होता ठीक है, तो भाई तुम सेविंग मत करो, 1000 रखो अपने पास। मैं तो कहता हूँ सेविंग करो ही मत तुम लोग, ठीक है। 1000 रखो अपने पास एंड उसके भरोसे बैठे रहो, ठीक है। होल्ड अप, वेट अ मिनट। सो यार कुछ लोगों के दिमाग में माइंडसेट होता है कि करेक्टर मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। अरे यार सेविंग जरूरी है, ऑब्वियसली बात है यार, तुम 1000 में क्या होप करोगे। ओके सो अगर तुम इस समय कंट्रोल कर लेते हो अपने आप को तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। एंड अगर तुम समोन करना ही चाहते हो, अगर तुम्हारे पास सीसी ज़्यादा है, तो मैं तो कहूँगा भाई तुम इसको स्किप कर सकते हो, ये मतलब इसको कोई जानता भी नहीं। अब मेरे लक बहुत अच्छे थे, अल्ट्रा हिट तक मेरे बहुत अच्छे लगता, आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ मेरे को अल्ट्रा मिलना बंद ही हो गए। ओके किड बू मैं नहीं कहूँगा इसमें समोन करो बिल्कुल भी। एंड जिनेम्बा, एक टाइम में जिनेम्बा यार बहुत सही लगता है मेरे को, बिकॉज इसका तुम गेज देखोगे तो गोहान के बराबरी का है एंड गोहान से अच्छा है मैं तो ये कहूँगा, बिकॉज ये अपने गेज के साथ एक अल्टीमेट रिलीज़ करता है, अल्टीमेट को रिलीज़ करता है जो कि तुम जानते हो कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बस उस अल्टीमेट के अंदर अगर इन्होंने एलिमेंट फैक्टर डाल दिया होता ना, ये किसी को भी ख़त्म कर सकता था। बट कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कमी होती है, बट क्या करें भाई। अल्ट्रा गोहान मैं तो कहूँगा भाई अगर तुम्हारे पास सीसी है तो इस पर तुम स्पेंड करो, बिकॉज ये अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। अभी गेम गोहान बॉल लेजेंड्स चल रही है, तुम जानते हो मतलब गोहान ही दिखेंगे तुमको पीवी के अंदर। ओके एंड गोल्डन फ्रीजा की बात करें, अगर मतलब गोल्डन फ्रीजा तो भाई पूछो मत, ये मेरे को बहुत सही लगता है एक तरह से, बिकॉज अगर तुम इसको फ्रीजा टीम में इस्तेमाल कर रहे हो एलओई टीम के अंदर, तो ये बंदा ब्रोकन है बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ब्रोकन है। ओके एंड बात करें इसके कमबैक एबिलिटी की, वो मेरे को बहुत सही लगती है, बिकॉज जब ये मतलब कमबैक करता है ये अपना एलिमेंट हटा कर डैमेज देता है, वो सबको डैमेज देगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो एक टाइम पे फ्रीजा बहुत सही है, अगर तुम स्पेंड करना चाहते हो अपने सीसी तो फ्रीजा पे कर सकते हो, बट मैं यार देखो रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं तुमको ये कहूँगा कि तुम अगर तुमको मतलब सीसी तुम्हारे पास ज़्यादा है, मे बी 20K के ऊपर है एज F2P के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो तुम कर सकते हो। तुम ये याद रखना कि तुमको कम से कम 6 और 7 रोटेशन रखनी है अपने अल्ट्रा के लिए, जिससे तुम्हें एक होप तो होगी कुछ निकल सकता है, बिकॉज मैं जानता हूँ मेरा अल्ट्रा लक कैसा है एंड तुमको अपना लक पता होगा कैसा होगा। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई होप तुमको समझ आया होगा कि तुमको सेविंग करनी है और मे भी सेव करना है। मैं लास्ट अपना बताऊँगा, तुम सेव करो सही रहेगा, बिकॉज जो थर्ड वन आएगा मतलब थर्ड पार्ट का अल्ट्रा, वो आई थिंक पूरे के पूरे इस ईयर के अंदर रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज तुम लास्ट ईयर अगर तुम जाते हो वेजिटो ब्लू को देखते हो तो वो मतलब लेजेंड फेस्टिवल तक रहा था, अभी भी है बट थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, बट वो अभी भी ब्रोकन है। अगर जिसको इस्तेमाल करना आता है ना उसको, वो भाई तुम्हें मौका ही नहीं देगा इस्तेमाल करने का अपने तुम्हारे करेक्टर को, ठीक है। सो मेरे हिसाब से सेविंग करो लाइक मी, मेरे को पता नहीं भाई मेरा लक कैसा होगा, मैं बस होप करता हूँ मेरा यार थर्ड पार्ट बेकार ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ बस, ठीक है। सो आई होप यू ऑल इन्जॉय एंड अंडरस्टैंड कि तुमको समोन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मत करना, मैं तो यही कहूँगा। सो दैट्स इट, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो आज के लिए बाय बाय गाइज़।